अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो को आपके साथ शेयर करने का मकसद आपको ये बताना है कि ओवरऑल द वर्ल्ड कौन सी जनरेशन रिसोर्सेज यूज़ की जाती हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम आपके साथ डिफरेंट कंट्रीज़ का डाटा शेयर करेंगे, तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम ग्लोबली देखें तो हमारे पास 41% कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। इसी तरह इसके बाद जो अमाउंट हमारे पास है वो बेसिकली 20% नेचुरल गैस से हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। उसके बाद हाइड्रो से हमारे पास 16%, देन वी हैव न्यूक्लियर जिससे हमारे पास 15% बन रही है, और ऑयल से हमारे पास 6 और अदर से जिसमें विंड भी आ जाता है उससे 2% बन रही है। मीनिंग कि ग्लोबली वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा परसेंटेज कोल की हमारे पास जिससे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। तो चलें आपके साथ कुछ कंट्रीज़ का डाटा शेयर करते हैं। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट में आप देख सकते हैं हमारे पास 45% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो कोल से हो रही है। उसके बाद 20% नेचुरल गैस से हो रही है, 18% न्यूक्लियर से हो रही है, 7% विंड से, 6% हाइड्रो से, और इसी तरह बायोमास से 1% और ऑयल से भी 1%। तो जो नेक्स्ट कंट्री है वो है न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड में देखा जाए तो 55% यूज अमाउंट ये बन गया हाइड्रो से। इसके बाद 17% हमारे पास बन गया नेचुरल गैस से, 14% हमारे पास अदर फॉसिल मटेरियल से बन रही है, 5% विंड से और 9% जियोथर्मल से। अब ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो 65% मीन्स ये काफ़ी ह्यूज अमाउंट है, 65% वो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं अपने कोल से। इसके बाद 31% नेचुरल गैस से और 4% रिन्यूएबल रिसोर्सेज से। चाइना में देखा जाए तो चाइना में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो बेसिकली 80% हो रही है कोल से, और हाइड्रो से हो रही है हमारे पास 15%, ऑयल से 2%, न्यूक्लियर पे 2%, और चाइना और बाकी रिसोर्सेज जो है उसमें 1%। ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन रही है कोल से, मतलब उनके पास कोल एक ह्यूज अमाउंट में है। अगर इंडिया में देखा जाए इसी तरह इंडिया में भी 68% एनर्जी बन रही है उनकी वो बन रही है कोल से, अदर रिसोर्सेज से 2%, न्यूक्लियर से 3%, ऑयल से 4%, नेचुरल गैस 8% एंड देन हाइड्रो से हमारे पास 15%। अगर हम यूनाइटेड किंगडम में देखें तो हमारे पास जो 42% जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो बन रही है नेचुरल गैस से। उसके बाद हमारे पास कोल से बन रही है 34%, न्यूक्लियर से बन रही है 15%, हाइड्रो से 1%, ऑयल से 1%। जापान से देखा जाए तो जापान में बेसिकली हमारे पास 27% नेचुरल गैस से बन रही है, 26% न्यूक्लियर से, 25% कोल से, ऑयल से 13%, हाइड्रो से 8% और अदर सोर्सेज से 1%। जर्मनी में देखें तो हमारे पास 44% कोल से बन रही है, न्यूक्लियर से हमारे पास 23%, नेचुरल गैस से 13%, अदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज से 14% एंड विंड से 6%। अगर हम फ्रांस में देखें तो फ्रांस बेसिकली एक हब है न्यूक्लियर का। हम देखें 78% ह्यूज अमाउंट ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी बनी है वो न्यूक्लियर से। उसके बाद 11% हमारे पास हाइड्रो से, कोल से 4%, नेचुरल गैस से 4%, ऑयल से 2% और अदर रिसोर्सेज से हमारे पास 1%। तो दोस्तों अबैंड में अगर हम पाकिस्तान की कैपेसिटी देखें, पाकिस्तान में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी किस रिसोर्सेज से बन रही है, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास हाइड्रो से 28.4% बन रही है, जो जनरेशन कंपनीज हैं दूसरी वो 31.6% आपको बना रही हैं थर्मल से। इसी तरह IPPs भी हमारे पास 36.4% थर्मल से बन रहा है, 3.2% हमारे पास न्यूक्लियर में बन रहा है और विंड से हम बना रहे हैं 0.4%। तो दोस्तों
उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।